हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सो डेट है इसकी 5 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज के वर्कशीट में, हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें हम क्या सीखेंगे, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना सीखेंगे। तो लेट्स रिकॉल विच इज मोर, 4/5 और 5/6। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, आपको देखने से नहीं पता चल रहा होगा। तो देखते हैं इसके मेथड हम कैसे पता करेंगे। मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास 3/5 है, तो 3 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड 5 को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, इन दोनों के हम सेम कर देंगे। जैसे 5 है, इसका 6 है, तो दोनों को हम सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करें, 4/5 जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 को दोनों तरफ हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, और 5/6 को जो इसका डिनोमिनेटर था इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये कितना आ गया 24/30, और ये कितना आ गया 25/5 = 25, 6/5 = 30। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या होगी, सेम हो गए। अगर नीचे सेम है तो हम ऊपर आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तब हमें पता चल गया कि कौन सा ज़्यादा है, ये वाला 25/30। और 25/30 किसकी वैल्यू थी बच्चों, 5/6 की। तो 4/5 और 5/6 में कौन बड़ा है बच्चों, 5/6 बड़ा है। तो हमने कंपेयर करना सीखा। अब देखते हैं दूसरा मेथड, अनदर वे टू कंपेयर क्वांटिटी इज परसेंटेज, मीन्स परसेंट, सेंचुरी और हंड्रेड। ठीक है, तो इसको दो मेथड बोलते हैं, सेंचुरी और हंड्रेड। सेंचुरी का मतलब हंड्रेड होता है, और हंड्रेड को 100 बोलते हैं। इट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये इसका सिंबल होता है परसेंट का। और एग्जांपल, जैसे 1% को हम क्या लिखते हैं, 1/100, एंड 2% को 2/100। परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। जैसे जो परसेंटेज होती हैं उसमें जो आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, तो जो परसेंटेज होती है उसमें डिनोमिनेटर हमारा 100 होता है बच्चों। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, फाइंडिंग परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100। तो हमें परसेंटेज निकालना है जब हमारा जो टोटल है वो 100 नहीं आ रहा है। जैसे कि नाउ टेक 25/30 एंड 25/30, 24/30, ये 25/30। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। जब आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। तो इसका आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, 25/30 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। परसेंटेज निकाल तो जो आंसर आएगा उसमें परसेंटेज का निशान भी आएगा। तो हमने क्या लगा था, पहले ही परसेंटेज का निशान लगा दिया। अब इसको काटेंगे हम, 0 से 0 कट गया, 3 8 24 8 10 80, तो ये हमारे पास 80 आ गया। वैसे हम इसको काटेंगे तो हमारे पास 83.3 हमारे पास परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन ग्रेटर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी वांट टू फाइंड परसेंटेज वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, एंड व्हेन वी वांट टू रिमूव परसेंटेज वी जस्ट डिवाइड बाई 100। तो जब हमें इसमें ये बताया कि जब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें परसेंटेज दिया हुआ है उसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि दिया गया है यहाँ पे क्या, 20% हमें दिया गया, निशान हमें परसेंटेज का दिया हुआ, इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो 20 डिवाइड बाई 100, तो इसको पॉइंट की फॉर्म में 2 0 है, तो 2 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग जाए, तो 0.20 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वैसे 25% है, 25/100, 0 0 इसका हम पॉइंट लगे, 0.025 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड बाय 100। तो रिमूव किया तो यहाँ पे परसेंटेज का निशान नहीं आ रहा, देखो। ठीक है, वैसे हम करेंगे, परसेंटेज कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इंटू फ्रैक्शन, कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इंटू परसेंटेज। जो आपको परसेंटेज फ्रैक्शन दी गई उसको भी आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे, आप मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे आप 5/4 को परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये काटेगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, 25 25 5 = 125 परसेंटेज आपका आंसर आ गया बच्चों। वैसे 3/4 को चेंज करोगे, 25 25 3 = 75, तो 75% आपका आंसर आ गया। डिड यू नोटिस, परसेंटेज रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 100, वेयर एज परसेंटेज रिलेटेड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन 100। अब आपको ये समझना होगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं
तो वो क्या आता है 100% से 100 से कम आएगी उसकी वैल्यू, और जो इम्प्रॉपर होगा उसमें जो वैल्यू आएगी वो हमारी 100 से ऊपर आ रही है। जैसे कि इम्प्रॉपर क्या होता है, जैसे 5/4 है और एक हमारे पास 3/4, तो ये क्या प्रॉपर है और ये क्या इम्प्रॉपर है, मैं बताती हूँ कैसे। ये प्रॉपर जब होता है जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर जब होता है जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों समझ में आया? तो इम्प्रॉपर होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 100 से ज़्यादा आएगी, और अगर इम्प्रॉपर होगा तो हमारे पास वैल्यू 100 से कम आएगी। जैसे 3/4 में 100 से कम है, 5/4 में वैल्यू जो हमारे 100 से ऊपर है बच्चों, ठीक है। डेसिमल के अब नेक्स्ट है, डेसिमल को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3.5 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वही क्या करोगे मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करना ही पड़ेगा, चेंज कर रहे हम, इसका पॉइंट हटेगा बच्चों, 10 आएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, मतलब हमारे पास है 350% बच्चों। समझ में आ रहे हैं? तो अभी इसके और क्वेश्चंस करते हैं हम। फाइंड 15% ऑफ 250। अब आपके पास परसेंटेज निशान दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करें डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ 250। इसको काटेंगे आपके पास आंसर है 37.5। काटना आप अपने आप करिएगा। नेक्स्ट है फाइंड 1% ऑफ 1 आवर। तो 1% परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, और आवर्स को इसने मिनट में चेंज कर लिया क्योंकि थोड़ा बड़ा करने के लिए, तो 60 मिनट कर दिया इसको, 0 से 0 कट गया, नीचे एक 0 है तो एक डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग गया, आंसर आ गया 0.6 मिनट बच्चों। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ए सर्वे हैज बीन डन ऑफ 40 स्टूडेंट एंड डैश एंड जी पोट द इंफॉर्मेशन डेट 25% लाइक फुटबॉल, नाउ फाइंड हाउ मैनी देम लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हमें परसेंटेज निकालनी है, हाउ मैनी, जब परसेंटेज हमें दी गई है हमें वैल्यू निकालनी है। तो टोटल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट 40, उनमें से 25% फुटबॉल लाइक करते हैं, तो हमें बता दें कितने बच्चे फुटबॉल लाइक करते हैं। परसेंटेज में दिया गया हमें एक्चुअल स्टूडेंट बता रहे कि 40 में से कितने बच्चे लाइक करते हैं। तो देखिए टोटल कितने बच्चे 40 में से 25% ऑफ 40 लाइक टू प्ले फुटबॉल, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लाइक टू प्ले फुटबॉल, जो 25% किसका है 40 का है ना, तो 25% हम निकालेंगे 40 का, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज दी गई थी, हमें पूछा क्या एक्चुअल नंबर पूछे, तो 10 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं बच्चों। तो इसी बेस पे अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस वर्कशीट के। एस्टिमेट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज बीन शेडेड एंड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले आपको बताना कि कितना रीजन है यहाँ पे शेडेड है, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो नीचे आप लिखेंगे 4, और कितना पार्ट शेड है 3, तो 3/4 शेडेड है बच्चों। वैसे टोटल कितने बच्चे 2, और कितना पार्ट शेड है 1, तो ये हमारा निकल गया हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फिगर हैज बीन शेडेड, ये आपका इतना आंसर है दोनों का। अब हमें निकालना दोनों की परसेंटेज, तो निकालते हैं इनकी परसेंटेज 3/4 एंड 1/2। तो फर्स्ट जैसे पार्ट है हमारे पास 3/4 और नेक्स्ट हमारे पास है 1/2, तो इसको हमें परसेंटेज निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 × 8 = 25 × 20, ये आ गया हमारे पास 75%। परसेंटेज निकालना तो आंसर में क्या आना चाहिए परसेंटेज आएगा बच्चों, वैसे इसका भी परसेंटेज निकाल तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास है 50% हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसमें आप दो आंसर आपके 3/4 एंड 75%, और इसी का सेकंड का आंसर हमारे पास 1/2 है 50%। एक पार्ट हमारा ये पूछा गया था, दूसरे पार्ट का ये आंसर है। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 20% ऑफ 150, 20% निकालना आपको 150 का। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज का निशान दिया गया है, तो दिया हुआ है तो इसको रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 बच्चों, याद रखना रिमूव करना, तो डिवाइड बाय 100, एक जो ये कट गई एक जो ये कट गई, हमारे पास 15 × 30, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 30। वैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 75% ऑफ 1 kg, इसमें भी परसेंटेज दिया गया है, हटाना है तो फिर डिवाइड बाई 100, ये क्या किलोग्राम, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, कितना होता है 1 किलोग्राम में होता है हमारे पास 1000 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 1000 ग्राम बच्चों।
दो जीरो से दो जीरो कट गई, हमारे पास 75 × 10 = 750 ग्राम बच्चे। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने नहीं लिखा, यहाँ पे ग्राम दिया है तो हमने ग्राम लिखा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैंने कहा था परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले इसका हम क्या 0.65 × 100 परसेंटेज में चेंज करा तो इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई। अब इसका पॉइंट हटाएंगे कि नया डिवाइड बाय 100, क्योंकि दो डिजिट से पहले पॉइंट है तो उतनी ही जीरो लग जाती है बच्चों। दो जीरो से दो जीरो कट गई, हमारे पास आंसर है 65%, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना था तो आंसर में परसेंटेज का निशान आपको लगाना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 1/8, 1/8 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, इट मीन्स हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 2 = 4, 5 × 4 = 8, तो ये आ गया हमारा 25/2 परसेंटेज। ठीक है बच्चों, इसको आप सिंपलफाई फॉर्म में भी कर सकते हो, 12 × 1/2 परसेंटेज। बच्चों ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल। इसमें आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है देन इसका फ्रैक्शन निकालना है। सिंपल फ्रैक्शन में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको आप हटाएंगे, हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो पहले सिंपलीफाई फॉर्म में करते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 × 3 = 5, 2 = 2, ये इसकी सिंपल फॉर्म आ गई बच्चों। ठीक है, और सेकंड क्या था, हमें इसका डेसिमल निकालना है। आप लिखो सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी, और सेकंड क्या हमें इसका डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में आप क्या लगाएंगे इसके अंदर डेसिमल वैल्यू लगाएंगे। अब कितने जीरो बच्चे हमारे पास, दो, तो दो डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन हो गई, आपका डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। वैसे 5 का आपको सिंपल फॉर्म में निकालना, तो परसेंटेज को आप हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा डिवाइड बाय 100, 5 × 5 = 20, तो 1/20 आ गया। वैसे आपका सिंपल फॉर्म हो गया बच्चों। वैसे आपको इसको क्या निकालना, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म। तो दो डिजिट है हमारे पास, दो जीरो नीचे, तो दो डिजिट बनानी पड़ेंगी आपको इसको, दो डिजिट हमने बना दी इसको, आगे हम जीरो लगा सकते हैं ना, तो 0.05 ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ गई बच्चों इसकी। क्योंकि जितनी जीरो होती है उसी उतनी ही डिजिट से पहले हमें पॉइंट लगाना होता है, अगर डिजिट नहीं है तो आप आगे जीरो लगा सकते हैं बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने जो भी आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल रिशभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए आप दबाएंगे ये वाला बेल आइकन, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें आप ऑल ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा बच्चे, तभी आपको मेरे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे बच्चों। थैंक यू।